आज अपन एक अच्छा टॉपिक बात करेंगे बच्चों, फियर के ऊपर, डर के ऊपर। अपन सबको डर रहता है ना, आप लोगों को एग्जाम का डर रहता होगा, कुछ गलती कर दिए तो मम्मी पापा से मार खाने का डर रहता होगा, क्लास में टीचर्स का डर, या किसी ना किसी कोई बहुत ही एकदम मारने वाला एकदम आपका कोई दोस्त होगा, एकदम गुंडा टाइप का, तो उसका डर होगा। तो कहीं ना कहीं डर अपने दिल और दिमाग में रहता है, और इस डर के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। डर है क्या? कृष्ण जी से सुनते हैं, डर क्या है? कृष्ण जी ने कहा था कि भैया, डर भविष्य की एक कल्पना मात्र ही है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, और भय धारण कर लेने से भविष्य के दुखों का निवारण नहीं होता। मतलब क्या भैया? What is fear? Fear is just a worst imagination of the future, and that has nothing to do with the reality. एक आपका worst imagination है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा होगा, मार पड़ेगी, जिसका रियलिटी से कोई संबंध है नहीं। रियलिटी में ऐसा होगा या नहीं होगा किसी को पता ही नहीं है। यू आर जस्ट इमेजिनिंग, द वर्स्ट थिंग दैट यू आर इमेजिनिंग इज अ फियर। एंड बाई Having a fear, अगर आपको अंदर डर है तो क्या उससे, डर को खाली रखने से फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी? नहीं। ये तो कृष्ण जी ने कहा कि भैया वो भविष्य की कल्पना है, वर्स्ट कल्पना है, और उसको आपके पास रखने से कोई प्रॉब्लम वो सॉल्व भी नहीं होगी आपकी प्रॉब्लम। तो करना क्यों है? पहली बात तो ये चीज अपन को रियलाइज करनी पड़ेगी। हमेशा ये बात याद रखना कि इट्स जस्ट अ इमेजिनेशन, फियर इज जस्ट अ इमेजिनेशन, वो सिर्फ आपके दिमाग में है। ये बात को आप इमेजिन करना, ये कृष्ण जी की बात को आप वर्ड्स को याद रखना, ये बहुत कई बार काम आती है। जैसे स्कूलों में प्रेजेंटेशन देने जाना होता था, पहली बार कोई बैच लेने जाना होता था, तो नर्वसनेस होती थी, डर लगता था, तो उसके लिए मैं ये याद करता था भविष्य की कल्पना ही तो है। तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि चलो अगर ऐसा हो भी गया, जो आप इमेजिन कर रहे हो ना, वर्स्ट सिचुएशन जो आप इमेजिन कर रहे हो, आपको ये सोचना है कि चलो अगर ऐसा हो भी गया, मान लो मैं एग्जाम में फेल हो गया, या मान लो मम्मी को पता चल गया कि मैंने ये तोड़ दिया है, या मान लो मम्मी को पता चल गया कि मैंने मैगी खाई है, तो क्या होगा? आके या तो डांटेंगे, मारेंगे, ठीक है, ये एक्सेप्ट करो उस चीज को, जो हो सकता है। भैया जान तो लेने नहीं वाले आपकी कोई, है ना, फेल हो गए तो आपकी कोई जान तो लेने वाला नहीं है, तो ये बात की खुशी बनाओ, हाँ भैया जिंदा रहोगे, है ना। तो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा वर्ष से वर्ष इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, बस ना, बस बी रेडी फॉर दैट। अब उसके लिए आप कैसे रिएक्ट करो? अच्छा मम्मी, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप उसके अगेंस्ट में बातें तैयार करो कि भी अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप क्या रिएक्ट करोगे, कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो अगर आपको कभी भी डर है तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अपन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए डर लगा रहता है, अरे क्या होगा क्या होगा। वेन यू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स, देर विल बी नो फियर। याद रखना, जैसे ही आपने किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लिया, वहां पर कोई भी डर नहीं रहेगा। क्या भाई, ये अगर ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। एक कहानी है, मैं ये फियर के ऊपर पढ़ रहा था, कौन सी नॉवेल थी, तो उसमें वो एक लेडी थी जिसने बताया कि उसको डॉक्टर ने ये तक कह दिया था कि उसके पास लास्ट 2 या 3 वीक्स बचे हुए। सोचो, यहां तो अपन को कोई जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है, वहां पर जिंदगी और मौत का सवाल था। वॉट, वो क्या कर सकती थी? उसको डर लग रहा होता कि अरे भाई तीन वीक बचे हैं, क्या करूँ क्या नहीं, और वो वहां हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। एंड आई थिंक बहुत वर्ष होता है, आप सोच सकते हो अगर वो डर को रखती तो। बट उसने क्या बोला, उसने एक्सेप्ट किया, मरने वाली हूँ, पक्का है डॉक्टर साहब, पक्का बता दो, पक्का मरने वाली हूँ, चलो ठीक है भैया, पक्का हो गया, तीन वीक के बाद मरने वाली हूँ। तो एक काम करती हूँ ना, मेरा टारगेट था वर्ल्ड टूर करना, जितनी सेविंग है लाओ भैया, मेरी टिकट बुक करो, ठीक है, ए डॉक्टर चल मेरे साथ, एक डॉक्टर, एक किसी नर्स को रख लिए भैया अपने साथ, कुछ हुआ तो भाई देखते रहना। एंड वो पूरा वर्ल्ड टूर करके आई 3 वीक में, एंड जब वो वापस आई, उसकी एज काफी बढ़ चुकी थी, मतलब डॉक्टर ने बोला कि आपका बहुत कुछ क्योर हो चुका है, जो कैंसर या जो बीमारी उनको थी, मैं एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, वो बहुत कुछ क्योर हो गया है। तो सोचो कितना डिफरेंस हो गया, एक में जिसमें आप अगर डर रखते है ना, आप डरते रहते कि क्या होगा 3 वीक बाद, क्या होगा यार, मैं एडमिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वर्स्ट सिचुएशंस होती, और वहीं पर उन्हें एक्सेप्ट कर लिया कि अरे भैया वो होने वाला है, 3 वीक इंजॉय करते हैं, और मेंटल अपने दिमाग के पास इतनी ताकत है, अगर आप उसको खुश रखोगे ना तो सिर्फ खुशी वाली सिचुएशंस क्रिएट करेगा, अगर आप इसको दुखी रखोगे तो सिर्फ दुखी वाली सिचुएशंस क्रिएट करेगा। इतना पावरफुल है ये, इतना पावरफुल है अपने पास, पावरफुल वेपन है अपने पास, सबके पास, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास ये पावरफुल वेपन है। तो भय का धारण करने से भविष्य के दुखों का निवारण नहीं होगा, है ना, कृष्ण जी ने कहा था। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि यू हैव टू एक्सेप्ट, एनालाइज, ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भविष्य में क्या क्या हो सकता है, एनालाइज करना पड़ेगा, अच्छा ये हुआ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी तो रिसर्च करो कि अच्छा ऐसा हो गया तो क्या करना होगा, वो हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो अच्छा मेरे को ये वापस से पढ़ना पड़ेगा, अच्छा मेरी एक सप्लीमेंट्री एग्जाम भी होती है जो मैं 2 महीने बाद दे सकता हूँ, अच्छा उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छा किसी टीचर का मक्खन लगाना पड़ेगा, जाके टीचर को मक्खन लगाएंगे, दे आर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। और कई बार 90% चीजों में क्या होता है, अपन जिस चीज के लिए डर रहे होते हैं वो होती नहीं है, बट वो डर के कारण अपन बहुत कुछ खो चुके होते हैं। तो ये डरना नहीं है बच्चों, अपन को बिल्कुल भी नहीं डरना है, ओके, तो एकदम कॉन्फिडेंट फील करना है, और उसके लिए क्या होगा, यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटीज, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अच्छा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वैसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, वैसा हो जाएगा तो ऐसा कर लूंगा,
और जहां आपने अपनी फ्यूचर की जो आपकी वर्स्ट इमेजिनेशन है उनको एक्सेप्ट कर लिया, फिर वो नहीं डरा पाएंगे आपको, बिल्कुल चाह के भी नहीं डरा पाएंगे। अभी ट्राई करना इस बात को। और मैंने तो एग्जांपल दिया भैया, जब जिंदगी और मौत से नहीं डर सकते इंसान, तो आप और मैं तो भैया एग्जाम का और ये सब चीजों का, अपने छोटी मोटी चीजों का, मेटेरियलिस्टिक चीजों का डर तो हटा ही सकते हैं, है कि नहीं? चलो ट्राई करोगे, सारे कैंडिडेट्स मेरे को एक बार रिप्लाई करना क्या आप लोग आज से ट्राई करोगे, ठीक है? कृष्ण जी की बात को याद रखना कि क्या है, खाली इमेजिनेशन तो है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, काम खत्म, ठीक है? और इतना ईजी है अगर आप ट्राई करो तो, ठीक है? चलो तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में आपसे, फिर कोई प्यारी सी टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।